जय श्री कृष्णा, जय सरस्वती माता। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का व्रत त्योहार उपाय चैनल में। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और इसी दिन ज्ञान, वाणी और कला की देवी माँ सरस्वती की पूजा आराधना भी की जाती है। इस दिन को सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में सरस्वती पूजा के दिन बच्चों की शिक्षा प्रारंभ कराने और अक्षर ज्ञान शुरू कराने की परंपरा है। वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा क्यों की जाती है, इसके पीछे भी एक पुरानी कहानी है। आइए जानते हैं कि इस वर्ष सरस्वती पूजा कब है और इस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। इन सभी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का प्रारंभ 5 फरवरी दिन शनिवार को सुबह 3:47 से हो रहा है। पंचमी तिथि अगले दिन 6 फरवरी दिन रविवार को सुबह 3:46 तक रहेगी। ऐसे में सरस्वती पूजा 5 फरवरी को मनाई जाएगी और इसी दिन वसंत पंचमी भी मनाई जाएगी। आइए जान लेते हैं सरस्वती पूजा या वसंत पंचमी के त्योहार की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। सरस्वती पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 5 फरवरी को प्रातः 7:07 से दोपहर 12:35 तक का है। वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा के लिए 5:28 का समय है। दोस्तों, इस साल सरस्वती पूजा सिद्ध योग में की जाएगी, इसलिए सिद्ध योग में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, आइए जान लेते हैं। 5 फरवरी को सिद्ध योग शाम को 5:42 तक है। उसके बाद से साध्य योग शुरू हो जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त दोपहर 12:13 से दोपहर 12:57 तक है। वसंत पंचमी के दिन रवि योग शाम 4:09 से अगले दिन प्रातः 7:06 तक है। आइए दोस्तों, अब जल्दी से जान लेते हैं कि वसंत पंचमी को सरस्वती पूजा क्यों मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता है कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ज्ञान और वाणी की देवी माँ सरस्वती ब्रह्मा जी के मुख से अवतरित हुई थी। इस दिन को देवी सरस्वती की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। इस वजह से हर साल वसंत पंचमी को सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वसंत पंचमी को पूजा करने से माँ सरस्वती जल्दी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती हैं। इसलिए वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा आराधना करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। सभी बच्चे जो भी पढ़ते हैं या फिर जो भी बिजनेसमैन है, जो बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, सभी को वसंत पंचमी के दिन सरस्वती जी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक जरूर करें, साथ ही फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। और अंत में, अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखते रहिए व्रत त्योहार उपाय चैनल। जय श्री कृष्णा, जय सरस्वती माँ।